हनीमून पान और पलंग तोड़ पान के बारे में काफी सवाल हमें आते रहते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या फर्स्ट नाइट को हनीमून पान जो आता है या पलंग तोड़ पान लेना चाहिए, उसमें क्या होता है, तो उसके बारे में मैं आज बातचीत कर रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी प्रथाएं है कल्चर में, अलग अलग कल्चर में अलग अलग प्रथाएं हैं। उसमें कहा गया कि भाई फर्स्ट नाइट को पान लेकर वो जो नवविवाहिता है जो वो कमरे में जाएगी, या कुछ कल्चर में अलग है कि वो पहले रहेंगे अंदर और जब आदमी अंदर जाएंगे तो उसके लिए पान तैयार है। पान स्त्री ने लाना पुरुष के लिए या पुरुष ने स्त्री के लाना, बात एक ही है, मगर अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग होता है। ये पान जो है वो पलंग तोड़ पान बोलते हैं, जो दोनों के लिए बनाया रहता है, स्पेशल बॉक्स में बनाते हैं और उसको जैसा सोने का मुलामा वर्क चढ़ाते हैं या चांदी का वर्क चढ़ाते हैं वो बॉक्स को, और वो हिसाब से उसकी कीमत रहती है। उसमें वो पान जो है वो कलकत्ता से स्पेशल बुलाए रहते हैं, पान एकदम नरम, एकदम बहुत ही सॉफ्ट पान रहते हैं, जैसे रखते हैं तो मालूम ही नहीं पड़ता कि पान खा रहे हैं। और उसमें फिर अलग अलग पदार्थ डाले रहते हैं, जैसे चेरीज है, गुलकंद है, मिंट है, सफ़ेद मुसली डालते हैं उसमें, जिससे कि एक्साइटमेंट, सेक्सुअल एक्साइटमेंट आ सकता है। फिर कश्मीरी सैफरन डालते हैं, गुलाब डालते हैं, गुलाब की कलियाँ, तो ऐसे अलग अलग उसमें इन्ग्रीडियंट्स रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वो पान लेकर गए वो, तो वो पान खा के उत्तेजना ज़्यादा आती है। अभी अलग अलग लोगों की डिमांड है तो उसमें मैंगो का फ्लेवर देते हैं, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर, पाइनएप्पल का फ्लेवर, ग्रेप का फ्लेवर, ऐसा दिया जाता है। हमारे यहाँ भी पान जो है वो 2,000 से 5,000 रुपये तक का भी ये पान, पलंग तोड़ पान मिलता है। और उसमें फिर कुछ लोग मिस्चीवसनेस करते हैं, मिस्चीफ करते हैं, और मिस्चीफ इन द सेंस कि उसमें फिर टाडाला फील डालते हैं कूट के, मालूम नहीं पड़ता, या फिर सिल्डाना फील डालते हैं कूट के और फिर वो देते हैं। तो क्या होता है कि अभी सिल्डाना फील मतलब वायग्रा जैसी गोली यदि वो पान के साथ में लेता है और वो मीठा मीठा सब रहता है तो मालूम भी नहीं पड़ता कि अंदर गोली गई कि नहीं गई, या टाडाला फील तो नेचुरली आपका तो परफॉर्मेंस अच्छा होएगा ही, मतलब संभावना है कि अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो सफ़ेद मुसली तो रहती है, सफ़ेद मुसली बोलो या आयुर्वेदिक जो है, जो अलग अलग आयुर्वेदिक दवाइयों से फेमस है, वो तो उसमें रहती है। उसके अलावा जब से सिल्डाना फील, टाडाला फील ये दवाइयाँ आई, तब से ये दवाई भी मिस्चीफ करके वहाँ डाली जाती है, बताया नहीं जाता कि ऐसी है, और वो फिर लोग बोलते हैं हाँ वहाँ से पान लाओ, वो पान से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होगा। उसका नाम ही पलंग तोड़ पान है, इसका मतलब ये है कि वो पलंग टूटने तक इंटरकोर्स चलेगा इतना। तो ये तो सब साइकोलॉजिकल है कि भाई हम पान खाया और समझो उसमें कुछ नहीं है, और पान खाया तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। एक वो बिलीफ है कि नहीं मैं पान खाऊं तो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ताकि फर्स्ट नाइट में जो टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस रहता है तो उसमें फिर प्रॉब्लम आता है, उसमें परफॉर्मेंस होता नहीं है। तो एक तरह से अच्छा है कि भाई फर्स्ट नाइट में यदि आप सिल्डाना फील, टाडाला फील लेते हैं या वरदाना फील, अवेना फील लेकर सेक्स करते हैं तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि डेफिनेटली फर्स्ट नाइट को ये दवाई हो सके तो लेना है, जिसमें आप SSRI जो है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर, जिससे परफॉर्मेंस ज़्यादा समय तक चल सकता है, वो दवाई भी लेते इसके साथ में, तो वो टेंशन, एंग्जाइटी, वरी वो कम हो जाएगी। और कुछ कॉम्बिनेशन दवाइयों के ऐसे हैं कि जिसमें इजैकुलेशन जल्दी होगा नहीं, वैसे ही कुछ लोकल एनेस्थेटिक प्रिपरेशन है वो लेते हैं, वो लगाते हैं, तो उससे भी फायदा होता है और लंबे समय तक सेक्स चल सकता है। तो पान में ये सब नहीं डाल सकते, पान में तो सिल्डेनाफिल, टाडाफिल डालते हैं। और यदि आपको बहुत टेंशन है, एंग्जाइटी है, तो ये सारी बातें करना ही चाहिए, मगर 2,000 और 5,000 रुपये देना ये तो अपना अपना इंटरेस्ट है, उसमें ऐसा कुछ 2,000 5,000 वाला रहता नहीं है। मगर एक ये ऐसा है कि भाई मर्सिडीज में घूम रहे हैं कि मारुति 800 में घूम रहे हैं, इस तरह का है वो, बाकी उसमें कुछ फ़र्क है नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो
तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।